सब्सक्राइब कीजिए प्रकाश चौहान चैनल को, और मेरे वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस घंटे पर क्लिक कीजिए। अगर दोस्तों आप जियो का यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कोड के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपने जियो नंबर पे आने वाले सारे कॉल आप अपने दूसरे मोबाइल की कंपनी किसी भी कंपनी में सुन पाएंगे, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, उसमें ही सुन पाएंगे इस जियो नंबर पर जो भी कॉल आएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वो कोड है *401 और **401*। इसके बाद क्या करना है, आपके पास जो भी कंपनी का सिम हो जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, उसका नंबर इसके पीछे डाल देना है। जैसे कि मैं अपने BSNL का सिम यूज़ करता हूँ तो दूसरा, तो उसमें ये नंबर डालता हूँ। ये डाल देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कॉल पर क्लिक कर देना है। कॉल फॉरवर्डिंग हवे तमारा नंबर पर सक्रिय छे। अब आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग इज नाउ एक्टिव ऑन योर नंबर। तो दोस्तों ऐसा डायल करने से हमारे फ़ोन पे ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमारे फ़ोन जियो नंबर पे जो भी कॉल आएंगे वो सारे कॉल हमें दूसरे नंबर पे सुनाई देंगे। और इसको डीएक्टिव करने का भी एक कोड है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, *402। ऐसा टाइप करने से ये कोड *402 सिंपली टाइप करने से ये सर्विस स्टॉप हो जाएगी। शर्ते कॉल फॉरवर्डिंग तमारा नंबर पर निष्क्रिय करवामा आवेल छे। आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो दोस्तों ये कोड आपको आपके जियो नंबर पे आने वाले कॉल वो सारे कॉल आप अपने दूसरे नंबर पे सुन पाने में मदद करेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।